वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आ चुके हैं अमृत उद्यान, जिसका नाम मुगल गार्डन से अमृत उद्यान हुआ है। और आज 26 मार्च है, आज ही लास्ट डे है। 2 महीने के लिए खुला था पब्लिक के लिए, नॉर्मल पब्लिक के लिए। आज ही यहाँ का लास्ट डे है, आज के बाद फिर ये नेक्स्ट ईयर तक बंद हो जाएगा। हम लोगों ने ऑफलाइन टिकट बुक करा ली है 11 बजे का स्लॉट, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ है। अभी हम लोग एंट्री लेते हैं, फिर चलते हैं अंदर का व्यू दिखाते हैं आपको। एंटर करते ही हम लोगों को एक और QR कोड मिला, जिसमें हमारे बापू जी बने थे और उनके साथ वर्चुअल वॉक करने का मौका मिलेगा। उसका अलग से टिकट है 50 रुपीज़ पर पर्सन का। हम लोगों ने 12:30 का स्लॉट किया है उसका, देखते हैं। फाइनली हम लोग राष्ट्रपति भवन के बैक साइड पर पहुंच चुके हैं। अभी यहाँ से आपको व्यू दिखाते हैं, काफ़ी प्यारा गार्डन है। हम लोगों ने एक दो गार्डन एक्सप्लोर कर लिया, अभी और भी है। यहाँ पे बहुत सारे फ्लावर्स लगे हुए हैं, दिखाते हैं आपको। कितना ही अच्छा व्यू आ रहा है राष्ट्रपति भवन का। हम लोगों ने यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी सारी पिक्चर्स क्लिक कराई है। राष्ट्रपति भवन देखने के बाद अभी हम लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं ग्राउंड से। ये जो पार्क बना हुआ है यहाँ से, और भी सारे काफ़ी फ्लावर्स ग्राउंड है, देखेंगे। यहाँ पे देखिए कितना सुंदर बना हुआ है ये स्ट्रक्चर, और ऊपर सारी बेल है अलग अलग पेड़ पौधों की, और काफ़ी कलर के रोजेस लगे हुए हैं, आई थिंक बहुत सारे कलर के। बापू हमारे आंखों के तारे। हम लोग आ चुके हैं राष्ट्रपति भवन संग्रहालय, यहाँ महात्मा गांधी का जिस वो चलता है वो देखेंगे। एंट्री करते हैं, काफ़ी सारी लंबी लाइन लगी हुई है। ये हमारे दो गरीब लोग खड़े हुए हैं लाइन में। म्यूजियम के अंदर एंट्री कर चुके हैं, यहाँ पे काफ़ी सारी ओल्ड कार्ड और मर्सिडीज वगैरह रखी हुई है, दिखाते हैं आपको।
ये जो सेक्शन आप देख रहे हैं फ्रंट में, मतलब अंगन के दो साइड है, एक साइड में राष्ट्रपति का ऑफिशियल पेपर वर्क का काम होता है एंड ऑपोजिट जो सेक्शन है उधर कैबिनेट सेक्रेटरी है एंड बीच का जो डोम वाला सेक्शन है उसके अंदर दो हॉल है, एक है अशोका हॉल एंड अनदर इज दरोबार हॉल। दो हॉल जितने भी राष्ट्रपति भवन के जितने भी फंक्शंस हम लोग टीवी में देखते हैं सब उसके अंदर होता है। एंड मुगल गार्डन के दो तरफ जो है, एक है राष्ट्रपति भवन जहाँ पे राष्ट्रपति रहते हैं एंड ऑपोजिट सेक्शन है गेस्ट हाउस, राष्ट्रपति से मिलने जितने भी गेस्ट आते हैं वो उधर रहता है। ये है ये बिल्डिंग का टोटल हिस्ट्री। एंड आप ये जो ब्लैक वाला, मैं इधर से ही बोल रही हूँ क्योंकि नहीं तो ना सुना ही नहीं देगी मेरी आवाज़। ये जो ब्लैक वाला हॉर्स चैरियट आप देख रहे हैं ना, ये ट्रेनिंग कोच है। हॉर्सेस को ट्रेनिंग करने के लिए ब्रिटिश टाइम में यूज किया जाता था। एंड वो जो रेड वाला कोच आप देख रहे हैं वो है लागेज कोच, लागेज कैरी करने के लिए वो कोच यूज किया जाता था। ठीक है, आप लोग मुझे फॉलो करिए। ये है बंगाल पार्टीशन एंड नेक्स्ट आप जो देख रहे हैं ना वो है खादी मूवमेंट, मतलब ब्रिटिश वस्त्रों को मतलब जला के हम लोगों ने जब इंडियन वस्त्रों को एडेप्ट किया, ये वो सीन है। पाकिस्तान के लाहौर में फर्स्ट फ्लैग होस्टिंग हुआ था, ये वो है। जितने भी समझौता के बीच सब दिखाया गया है एंड पाकिस्तान आप कुछ जो भी सामान देखेंगे, कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ राष्ट्रपति, हमारे जो फॉर्मर राष्ट्रपति थे सबका पर्सनल बिलोंग्स में यूज किया हुआ सामान अभी हम लोग एंड कुछ गिफ्ट आइटम जो अभी हम लोग जहाँ पे खड़े हैं ये है एपीजे अब्दुल कलाम सर का पर्सनल बिलोंग। ठीक है, ये जो कोट आप इस साइड देख रहे हैं ये कोट ओथ सेरेमनी का टाइम का, ठीक है, जब प्रेसिडेंशियल ओथ सेरेमनी हुआ था तो शपथ सेरेमनी का होता उस टाइम का। Thank you.
आज के हमारे ऊपर, हम लोग पेंटिंग लगा के देख रहे हैं उनकी। आफ्टर वॉचिंग 10 मिनट्स तो गांधी जी के लाइफ पे था, थोड़ा थॉट ब्रीफ में दिखाया उन लोगों ने, ठीक था 10 मिनट्स का। और हम लोग बस थोड़ा बहुत कुछ बचा ही नहीं है वैसे, तो यहाँ से चलेंगे, थोड़ा जो कुछ भी बचा होगा। फूड कोर्ट भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है और सामने राष्ट्रपति भवन है। और आज यहाँ का लास्ट डे है, हम लोगों ने फाइनली एक्सप्लोर कर लिया है और देखते थोड़ा बहुत जो भी कुछ बचा है। पूरा हमने तो ध्यान एक्सप्लोर कर लिया, हेमंत भाई और प्रवीण को भी काफ़ी अच्छा लगा। नीचे हम लोगों ने म्यूजियम में काफ़ी पुराने गिफ्ट देखे, जो हमारे प्रेसिडेंट लोगों को मिले हुए, अदर कंट्रीज के प्रेसिडेंट लोगों ने गिफ्ट दिए जितने भी, काफ़ी अच्छे। और हम लोग यहाँ से निकलेंगे। लाइक अवर ब्लॉग, देन डू लाइक कमेंट शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।